नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी पता है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि बिजी होने के कारण मैं नहीं बना पाया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए, यहां ध्यान से देखिए। आपका जो है, जैसे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड सीजी फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में हम जाएंगे, अपने को 17/10/2022 मतलब कल का डेट के साथ एक नोटिफिकेशन दिखता है। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में वन रक्षक के नियमित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ज्ञापन, जैसा कि मैं अभी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में जाके, ठीक। जैसा कि यहाँ देखिए, मैं साइड यहाँ खुला हुआ हूँ अपने मोबाइल में, ये देखिए। जैसे ही इस साइड में हम जाते हैं, अभी इसका लैंग्वेज क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्या नया नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है, इन सभी बातों के बारे में, पुराने क्या होगा सभी के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक। इसको आप ध्यान से पहले एक मिनट देख लीजिए। यहाँ देखिए, साइट इंग्लिश में यदि है, ठीक ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट, अभी ये क्या है, ये हिंदी भाषा में है, यहाँ सॉरी वहाँ इंग्लिश गलती से दिखा रहा है, ठीक ना, वो बहुत पहले एक साइट खुला हुआ है इसलिए। यहाँ देखिए आपका दिखा रहा है कि 17/10/2022, ठीक ना, आज के यहाँ बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में वन रक्षक के नियमित रिक्त पदों की सीधी भर्ती भरने के लिए ज्ञापन, ठीक, मतलब कल जारी किया गया है इसी को। अभी ये हिंदी में है, ठीक, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, यदि हम इंग्लिश को यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक, इंग्लिश को यदि मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये साइड जो है इंग्लिश में हो जाएगा, अभी हिंदी में था, ठीक। अब देखिए साइड इंग्लिश में हो गया, अब इस साइड को जैसे ही इंग्लिश में देखते हैं और इस रिक्वायरमेंट को क्लिक करते हैं, देखिए इंग्लिश के रिक्वायरमेंट में यहाँ देखिए 14/10/2022 को अंतिम आया हुआ है नोटिफिकेशन, उसके बाद कोई भी रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, वो भी 14 का जो है स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड था। तो क्या फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक ना, कई सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही असमंजस की बात होगी, ठीक, क्योंकि साइड में दिखा रहा है। तो ये देखिए कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है वन रक्षक भर्ती का, ये जो है आपका ये साइड प्रॉब्लम है, क्या सर्वर इसका डाउन चल रहा होगा, सर्वर डाउन नहीं चल रहा है सर्वर, क्योंकि साफ साफ खुल रहा है, मतलब इसके साइड का जो है सीजी फॉरेस्ट के साइड का कोई त्रुटि हो गया है, ठीक ना, साइड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से वहाँ हिंदी में, जैसे ही हिंदी लैंग्वेज को हम क्लिक करते हैं तो अपने पास यहाँ नोटिफिकेशन में दिखाता है, बाकी ये कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, ठीक। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। अब पुराने भर्ती का क्या होगा यदि हम बात करें तो पुराने भर्ती का क्या होगा, देखिए अभी आप सभी पता है जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, ठीक ना, कोर्ट केस भी हो चुका है, ठीक ना, साथ में कोर्ट का निर्णय भी आ चुका, साथ में मंत्रिपरिषद का भी आप सभी पता होगा, कल जो है 17 सितंबर 2022 को, मैं बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, देखिए कल जो है 17 अक्टूबर को, ठीक ना, कैबिनेट में आपका मंत्रिमंडल का बैठक भी हुआ है, ठीक ना, 17 अक्टूबर को, लेकिन जो बैठक में बाकी सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया, निर्णय लिया गया, लेकिन जो है आरक्षण के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है, मतलब आरक्षण के विषय में चर्चा ही नहीं किया गया है। तो इससे जो है ये हमारे जितने भी बेरोजगार युवा हैं, ठीक ना, सभी युवाओं के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया, साथ में आरक्षण के मुद्दे पर नहीं चर्चा करने का कारण क्या है कि जितनी भी आगामी भर्ती होनी है, ठीक ना, आगामी भर्ती होनी है, आप सभी पता है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव आने से पहले आपका जो है लगभग 8 से 10 महीने पहले आचार संहिता लग जाता है, और आचार संहिता यदि लग गया तो फिर भर्ती का कोई भी मतलब नहीं होगा, भर्ती निकालने के बाद भी, अब अगले चुनाव के बाद भर्ती का प्रोसेस होगा तो क्या मतलब, ठीक ना, जैसा कि पिछले भर्ती आपसे पता होगा एसआई भर्ती का क्या हुआ है, ठीक ना, कितने जमाने का एसआई भर्ती है, आज तक अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि 6 नवंबर को है, आपसे पता होगा जो जो भरे होंगे, ठीक, तो यही हाल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को जो है सरकार को इसका पूरा ध्यान देना चाहिए कि आरक्षण के मुद्दे को जल्दी से जल्दी क्लियर करके उसके बाद आपका जो है जल्दी से जल्दी भर्ती को निकालने की पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी पता है अभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा चर्चा में था, ठीक ना, शिक्षक भर्ती लेके 12,500, ठीक ना, तो ये शिक्षक भर्ती भी तब तक नहीं निकलेगा जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं होगा, साथ में वन रक्षक भर्ती अभी पुराने अभ्यर्थियों का क्या होगा, तो इसके लिए भी विभाग असमंजस में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा कि आरक्षण किसको कितना दिया जाएगा, तब तक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का भी, जो वन रक्षक भर्ती आपका हो रहा है, इसका भी कोई आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक, और एसआई भर्ती का एग्जाम तो हो जा रहा है 6 नवंबर को, लेकिन इसके प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आएगी यदि आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हुआ तो, साथ में जितनी भी आगामी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें भी प्रॉब्लम आएगा, पीएससी की जो परीक्षा हो चुकी उसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो आरक्षण के मामले को जल्द से जल्द गवर्नमेंट को निपटाना चाहिए, ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट शांत रहेगा तो युवाओं को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, वरना ये सारी भर्तियां जो है आपकी रुक जाएगी और इसी तरह से चुनाव आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट भी कोशिश करेगा, नहीं करेगा तो उसका भी सुपड़ा साफ है, ये भी फिक्स है, ठीक ना। तो
इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इसके बारे में फैसला लेना चाहिए। और जो बात रही वन रक्षक भर्ती के बारे में, तो ये नया भर्ती नहीं आया हुआ है और इसका फिजिकल पहले होगा, आपसे पता है फिजिकल कब तक होगा इसके बारे में भी कोई भी जानकारी अभी हम नहीं दे सकते, ठीक ना, कि फिजिकल कब होगा, क्योंकि जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी जानकारी कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि व्यापम के पास, पीएससी के पास बहुत सारी भर्तियां हैं निकालने के, विभाग के पास, विभागों से बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, लेकिन आपका जो है आरक्षण के मामले की वजह से सारी भर्तियां जो है रुकी हुई है। तो यही आपको इस वीडियो में बताना था, तो आप निश्चिंत रहिएगा, जल्दी से आरक्षण मामला क्लियर होने पर नया भर्ती आएगा। साथ में जो वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बता दिया जाए कि जल्द से इसका निपटारा किया जाएगा। यदि आरक्षण का मामला क्लियर हो जाए तो इसका भी होगा जल्दी इस प्रोसेस, क्योंकि सबसे पुराना भर्ती अभी यही बचा हुआ है, बाकी इसके साथ जितनी भी भर्तियां निकली हुई थी सारी भर्तियां का लगभग एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, डीबी तक चल रहा है, ठीक ना। तो यही भर्ती ये एक लटकी हुई है, तो गवर्नमेंट को इसको जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।